हाय व्हाट इज अप गाइस, इट्स मी हंस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑफ इन्फिनिक्स GT 10 प्रो, और इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ डिवाइसेस। लाइक सबसे पहले हमारे पास है नथिंग फोन 2, उसके बाद है वन प्लस नोट 3 एंड रियलमी 11 प्रो प्लस एंड आईफोन 14, और देखते हैं इन सारे डिवाइसेस के मुकाबले में जो अपना इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो है कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि अभी मार्केट में इसके जितनी हाइप और किसी फोन की नहीं है। तो हम लोग पूरा इसको परफॉर्मेंस में देखने वाले हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको अगली वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो के रिजल्ट्स हम लोग बीच-बीच में वीडियो में बताते रहेंगे। गाइस, हमारा यहाँ पे जो सबसे पहले रिजल्ट है वो आ चुका है, इन्फिनिक्स हॉट GT 10 प्रो का जो रिजल्ट है वो 70% बैटरी है, एंड आईफोन 14 के अंदर 70% बैटरी रिमेनिंग है, रियलमी 11 प्रो प्लस के अंदर भी 71% है, नथिंग फोन 2 के अंदर 69 और वन प्लस नोट 3 के अंदर 74% है। अब इन सारे डिवाइसेस में जो कंपैरिजन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब देखते हैं कि इनका मतलब फ्यूचर क्या रहता है इनका बैटरी परफॉर्मेंस, बाकी नेक्स्ट राउंड में देखते हैं इनका कितनी बैटरी रिमेनिंग रह पाती है।
गाइज एक और राउंड यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप का निकल के आता है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर 55% बैटरी रिमेनिंग है, iPhone 14 के अंदर 51%, Realme 11 Pro Plus के अंदर 49%, Nothing Phone 2 के अंदर 51% एंड OnePlus Note 3 के अंदर 53%। यहाँ पे जो ऑल ओवर रिजल्ट है वो काफी ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं। iPhone भी यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और Infinix GT 10 Pro भी। देखते हैं मतलब इनका और नेक्स्ट में क्या रहता है। आप लोग भी वीडियो को एंड तक देखते रहो जल्दी से यहाँ पे। गाइस अगेन हमारा जो एक और रिजल्ट है वहाँ पे आ चुका है। जो Infinix GT 10 Pro है इसके अंदर 36% बैटरी रिमेनिंग है, iPhone 14 के अंदर 32%, Realme 11 Pro Plus के अंदर 35%, Nothing Phone 2 के अंदर 31% और OnePlus Note 3 के अंदर 38%। यहाँ पे ऑल ओवर जो बैटरी रिजल्ट है वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा फोन कितना देर तक सस्टेन कर पाता है। मुझको तो लग रहा है यहाँ पे iPhone 14 सबसे पहले ड्रेन आउट होगा। देखते हैं आगे क्या रहता है इनका नेक्स्ट राउंड में, क्या परफॉर्मेंस की रहती है।
तो गाइज हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर 19% बैटरी रिमेनिंग है, iPhone 14 के अंदर 8%, Realme 11 Pro Plus के अंदर 20%, Nothing Phone 2 के अंदर 21% एंड OnePlus Note 3 के अंदर 17%। ऑल ओवर बैटरी में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो iPhone 14 है वो लूजर निकल के आता है। Realme 11 Pro Plus अपना सेकंड पोजीशन ग्रैब करता है, Nothing Phone 2 अपना फर्स्ट पोजीशन और उसी के साथ साथ थर्ड पोजीशन अपना Infinix GT 10 Pro ग्रैब करता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना जरूर से आप।